आरे प्रदीप साजी नगला चेतरम के उरी तुमको कथा कर रहे सुनाई औरी बखत पड़े पे मेरे भैया औरी हम कोने को तुम लियो बुलाई आरे बैठे रहियो चले मत जइयो आरे लीला हो गए भोला रे लोहारी आरे गंगा जी की बनो वार्षिकी और गाथा तुम मोनी सुनाई अरे घोरा हो सकन जब को भैया अरे यूट्यूब पे भी दर्शाई हमारे बड़े भाई के सपुत्र जी सनी यादव नंगला पुल के निवासी हैं। ये गंगा जी की कथा को रिकॉर्ड कर रहे हैं। सुबह से ही आपके यूट्यूब चैनल पर ये कथा सुनने के लिए मिलेगी। आप हमारे इस YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जो कि आगे की कथा आपको सामने ये प्राप्त होती रहे। अरे हिया की बाती ही पे छोड़ा और अब गोंगा के सुनो हवाली अरे कैसी बनो बासी को धोए और भैया सुनियो के ध्यान लगाई कथा आप लोगों के समक्ष चल रही है। ये आप लोगों को कथा सुनने के लिए YouTube पे खोजेंगे शनि यादव स्टूडियो सेफई के नाम से। आप जब अपने मोबाइल में YouTube पर शनि यादव स्टूडियो को सर्च करेंगे तो आपको ये कथा सुनने के लिए मिलेगी। प्रदीप कुमार शास्त्री ग्राम नगला चेतरा जिनका मोबाइल नंबर है 79-83-065-570।
इधर सीरियल कहने लगी महाराज थोड़े हौले हौले बोलो। किला के चारों तरफ सेना लगी है महाराज, अगर सेना ने जान ली तो महाराज न तुम्हारा ये किला रहेगा, ना हम रहेंगे न तुम रहेगो। गोगा जी कहने लगे ठाकुरानी हमारे हाथ में भाला को पकड़ा दो, मेरे माथे पर रोली का तिलक लगा दो, मैं रणभूमि के लिए जा रहा हूं। क्या कहा ठाकुरानी? अकेले ठाकुरानी, जब हम अपनी मैया के उदर से अकेला पैदा हुआ तो चार कहां से लेकर के आऊं? सीरियल कहने लगी महाराज नहीं, आप अकेले तो नहीं हो, आप याद करिए आपके साथ बाटे से तुम्हारे चार वीर और पैदा हुए हैं, उनको बुलवा लो। गंगा जी कहने लगे महाराज नहीं, तुम्हारा कहने का मतलब क्या, मैं किसे बुला लूं? तो बताने लगी है सुनो महाराज, अरे भरजुआ जोधा कुरे बुला पाले, ए भरजू जोधा को बुला पाले, और रतना में तेरे को संग मिला गाले, रतना महतर को संग मिला गाले, नरसिंह पाले को बुला पाले। कहने लगी है सीरियल महाराज भरजू बीर को बुला लो, रत्ना बीर को बुला लो, नरसिंह पाले को बुला लो, तीन तो ये हो गए। और महाराज तुम्हारे साथ वाटे से लीला बछेड़ा पैदा हुआ उसे बुलवा लो, पांच में महाराज आप हो। क्या बोली? पांचों पीरा हो तैयारी, अरे तब तुम जइयो पिया रणभूमि को, और तुझे कहती बिहाता सैया, कहने लगी महाराज भरजू बीर को बुला लो, रत्ना मेहतर को, नरसिंह पांडे को, चौथा आपका लीला बछेड़ा है और पांच में आप हो। गंगा जी कहने लगे ठाकुरानी किला के चारों तरफ सेना लगी हुई है और मैं अपने वीरों को कैसे बुलाऊं? क्या कहने लगी है सीरियल महाराज, तुम्हारा पवन लच्छी घोड़ा उसे आकाश मार्ग होकर के पठे दीजिए, पल मात्र में वीरों को लेकर के यहां आ जाएगा। आज महाराज गंगा जी ने अपने लीला बछेड़ा को याद किया, लीला बछेड़ा महाराज जी के पास पहुंचा, कहने लगे भैया तुमने हमें रात्रि में क्यों याद किया है? क्या भैया इज्जत का सवाल है? कहने लगे हैं गंगा जी भैया चले जाओ और हमारे भरजू भी रत्ना भी नरसिंह पाणों को लेकर के आ जाओ। भैया आज तो हमारी इज्जत का सवाल है, अगर भैया इन वीरों को लेकर के नहीं आओगे तो शायद तुम्हारा ये गोंगा वीर आज महलों में जीवित नहीं बचेगा। लीला बछेड़ा आकाश मार्ग होके जाता है, पल मात्र में तीनों वीरों को लेकर के अट्टारी पर पहुंचा। महाराज गंगा जी
कहने लगे भैया किला के चारों तरफ सेना लगी है भैया, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। नरसिंह पाड़े कहने लगे भैया जाहर युद्ध तो मैं करूंगा। रत्नावीर कहने लगा नहीं भैया युद्ध तो हम करेंगे। बरजू कहने लगा कोई युद्ध नहीं करेगा सिर्फ मेरे अलावा, लेकिन भैया जहां मेरी शर्त होगी कि मेरा शीश जमीन पर नहीं गिरने पाए, क्योंकि हम अपने काट के शीश तुम्हारे हाथों में पकड़ाएंगे और वो शीश धरती पर नहीं गिरे। गोंगा जी कहने लगे भैया ठीक है, बरजू में तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारा शीश धरती पर नहीं गिरेगा। आज देखिए बरजू बीर ने तलवार को निकाली, अपने ही हाथ से सर धड़ से अलग करके गोंगा जी के हाथ में पकड़ा दिया। बिना सर का बरजू 7 लाख सेना में प्रवेश हो गया। क्या हुआ, और बात नो बात नो बतबड़ है गो, और बात में फैली गई बारी, काली देती बजी तलवारी, अरे खट 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 तेरा बाजे घूम की बजन लगी तलवारी, पश्चिम में दे तू लगाई, अरे पर तू हरैया है वो तरस है, और दक्षिण में दे तू बुझाई, होए कोई तब तो कहां है भैया संड वाले ने कि संड वाले भैया अगर हमारी आवाज सुन रहे हो संड के पास आ जाओ। अरे खाऊ जोन में घुसा मारे बेस देख ले बेस की नहीं आवाज बढ़ा दे, और काऊ जोन में घुसा रे मारे, और काऊ में लाती दे तू फटकारी, अरे कहूं पे तू वतन कहूं पे उछरती, और बाको पता लगा तू है नहीं, कोई कोई पूरे खनक को चिल्लाई बाहू लड़की तलवारी, अल्लाह तो बात करे मोहम्मद हिंदू लेता
तलवारी रहे बतलाई और अकेले भरजू ने बिना सर के 7 लाख सेना का विनाश कर दिया। कोई कोई योद्धा रथ से भाज करके राजा के दरबार में यानी तमुआ में पहुंचे, कहने लगे हैं महाराज 7 लाख सेना का एक भूत ने विनाश कर दिया। राजा नंदपाल कहने लगा क्या एक भूत और हमारी सेना के अंदर? कहने लगे चलो उस भूत को मैं देखेंगे। राजा नंदपाल हाथी पर सवार हो गया, रणभूमि में आ गया तो क्या हुआ? और नेपाल राजा ने छोड़ो अरे कौन ना भो तो सरग में जाई। अरे भोला कभी गौ चार पीर को हाथ दसी सजो फेराई। शीशी गिरो भैराई अरे धरनी में सिर गिर नहीं पाओ तल तो घोड़ा ने तापस उछाली। अरे पानी के पीछे गाय के पीछे पानी के अगर जरा सी सीरियल पानी पिला देती तो ये स्वयंवर होता नहीं होता? अरे रे पानी के पीछे कैसी बगी है तलवारी। अरे रे पानी के पीछे कैसी बगी रे तलवारी। गंगा जी के पास भरजू कहने लगा भैया तुमने हमारे साथ आज दगा कर दिया। गंगा जी कहने लगे भैया मैंने तेरे साथ क्या दगा कर दिया? कहने लगे भैया मैंने तुमसे कहा था कि मेरा शीश धरती पर नहीं गिरे। गंगा जी कहने लगे भैया मेरे हाथ से तुम्हारा शीश छूट जरूर गया है लेकिन भैया भरजू मेरे नीलम ने तुम्हारे शीश को अपनी टाप से ऊपर उछाल दिया, मैंने तुम्हारा शीश पुनः पकड़ लिया लेकिन भैया तुम्हारा शीश धरती पर नहीं गिरा। धरती पर नहीं गिरा भैया। हाँ गुरु की आन लगी थी तो कट गई तुम्हारे
बड़ी कहने लगा है भैया मैंने माना है कि मेरा शीश धरती पर नहीं गिरा, लेकिन भैया जहर जो हमारी आन लगी थी वो आन तो समाप्त हो गई। गोंगा जी कहने लगे भैया फिर बताओ इस जहर के लिए क्या आदेश है। बरजू कहने लगा भैया अब जहर के लिए आदेश नहीं भैया, जहर अब ये भरजू तुम्हें जीवन में कभी इस शरीर से प्राप्त नहीं होगा। उसी समय भरजू ने अपने प्राण को छोड़ दिया। गंगा जी कहने लगे भैया भरजू अगर तुम इस शरीर से हमें प्राप्त नहीं होगे तो भैया भरजू तुम्हारे लिए हमारा एक वरदान है। भैया भरजू वरदान ये है तुम्हारे लिए कि तुम्हारे नाम का भूणों पर हम एक तालाब खुदवाएंगे। और भैया भरजू जो भी यात्री हमारे दरबार में आएगा सबसे पहले भैया भरजू वो यात्री तुम्हारे ताल में स्नान बनाएगा और उस ताल से पांच पला मट्टी के निकाल के बाहर डालेगा। भैया भरजू पहले जात होगी तेरी, बाद में जात होगी मेरी। जय हो। बोल भरजू वीर की। जो भी यात्री बांगड़ जाते हैं गोरख टीला पर जो तालाब है वो भरजू के नाम का तालाब है, वह भरजू ताल बोलते हैं। सबसे पहले उस तालाब में हम आप जाके स्नान बनाते हैं। पहले वो तालाब कच्चा था अब हो गया पक्का। पहले जो लोग जाते थे तो पला कहां रखे हैं उस तालाब में डुबकी माली, मिट्टी को नीचे से उठाया पांच बार बाहर निकाल के डाल दिया। लेकिन अब मिट्टी है नहीं तो जो लोग समझदार हैं और जो उन्हें मानते हैं तो कुछ नहीं पानी ही पांच बार निकाल के बाहर कर देते हैं। उसके बाद मेड़ी पर दर्शन होते। अगर जिसने भरजू का स्नान नहीं तालाब में बनाया उसके पांच पला निकाल के बाहर नहीं डाले तो गोंगा भी उसकी जात नहीं लेती। आज भरजू वीर ने अपने जब प्राणों को छोड़ दिया तो गोंगा जी को क्रोध आ गया। गोंगा जी ने जा करके राजा अनंत पाल को बंदी बना लिया, अर्जुन सर्जन को पकड़ लिया, राजा को मारने के लिए चले। राजा हाथ जोड़ने लगा महाराज अगर तुम्हारे भाई नहीं जाते तो जीवन में तुम्हारे में यहां कभी नहीं आता। लीला बछेड़ा कहने लगा भैया इस राजा को छोड़ दे इसका कोई दोष नहीं, अगर तुम्हारे भाई इस राजा के पास नहीं आते तो ये राजा जीवन में तुम्हारे यहां कभी नहीं आता, इस राजा को छोड़ दो लेकिन इसे सजा सुना दो। गोंगा जी कहने लगे ठीक है भैया नीलम तुम्हारे कहने पर हम इस राजा को छोड़ रहा हूं, लेकिन इस राजा के लिए सजा यह है कि ये राजा हमारे नाम का भूणों पर एक मंदिर बनवा। राजा अनंत पाल से गोंगा जी ने अपना मंदिर कबूल किया था जो आज गोंगा मेंडी पर मंदिर बना है वो राजा अनंत पाल का बनाया हुआ था, लेकिन राजस्थान सरकार ने उस मंदिर को तोड़वा करके नया मंदिर बना के तैयार कर दिया। लेकिन जो कुठरिया समाधि की है वो आज भी वही है, लेकिन उस कोठरी को नहीं हटा पाया सरकार ने। मूसा बनिया को पकड़ लिया, बनिया का लोग महाराज बनिया मारी तो भेड़ मारी,
अरे हमें तो राजा के संगे आने ही है, तो अगर मैं राजा के साथ नहीं जाते तो राजा हमें तो उपदान करवा देता। लीला बछेड़े कहने को भैया जाऊ बनिया छोड़ दे, जाऊ सजा दे। गोंगा जी कहने लगे बनिया के लिए सजा ये है, जब मेरा मंदिर बन के तैयार हो जाए तो 12 कलशा सोने के हमारे मंदिर पर रखवा दे। जो चित्र में ये कलश दर्शाए गए हैं, ऐसे कलश सोने के गंगा जी के मंदिर पर थे, लेकिन अब कलश कहां दिखाई दे रहे, सरकार अपनी कब्जा में कर चुकी है। हाँ, अर्जुन और सर्जन के जाकर के दोनों के सर कलम कर लिए, रूमाल में बांध करके खुरजी में डाल लिए, महलों में पहुंचे। मैया बाछल गंगा जी से कहने लगी है, बेटा क्या बोली है, कौन दल जी तोरी बेटा और कौन दल हारोरी लाला, कौन दल जी तोरी बेटा कौन दल हारोरी लाला, अरे कलाला लड़के बताए दे मोको हारी भाई की, कहने लगी है भैया बादशाह बेटा लड़ में कौन जीता है कौन हरा है मुझे लड़के हाल बता दे। तो गंगा जी कहने लगे सुनो माँ, लड़ में कौन जीता है कौन हारा है, क्या बोले है, दिल्ली बालू जी तोरी मैया, ए दिल्ली बालू जी तोरी मैया, अग्नि बालू जी तोरी मैया, अरे कमैया कोई कहो ताते लो हारी भाई की, कहने लगे हैं गोगा जी मां दिल्ली का राजा आनंदपाल जीत गया है, तो मैया तेरा ये इकलौता जहर हार गया है मां, वो हारने का नाम लिया तो मैया बाछन ने खोपड़ी को जमीन में मार दी। कहने लगी बेटा तू कैसे हार गया है, बेटा मुझे विश्वास नहीं, क्या बोली है मां, लला बारह बारह वर्ष मैंने करी है तपस्या गुर की, धोई वे लंगोटे गुर की, करी है तपस्या गुर की, धोई वे लंगोटे गुर की, और लाला जीत गुरु से तो कौन लाई भाई की, कहने लगी है भैया बाछल बेटा जा, मैंने 12 दूनी 24 साल गुरु की सेवा की है, लेकिन मेरे लाल तू कैसे हार के आ गया, मुझे विश्वास नहीं है। गंगा जी कहने लगे माँ तुझे विश्वास नहीं, क्या मैया रण के तू हाल अपनी आंखों से देखना चाहती है। मैया बाछल कहने लाला मैंने कानों तो सुन लिया लेकिन आंखें से देखा तो जब भी विश्वास करूंगी। तो गंगा जी क्या बोले सुन माँ,
अगर लड़के हाल तू आंखों से देखना चाहती है तो एक काम करो माँ, क्या हरे हरे कुबरा भैया और चौक भैया दी चंदन दशहरी भैया चौक पुर भैया दी सोने की थाली भैया आलम भैया दी अरे तो भैया घर में चौक लगे हैं गोंगा जी माँ गऊ के गोबर से आंगन में चौक को लिपवा दे उसे चौक को चंदन से पुरवा दे माए के सोने की थाली ला करके चौक में रख दे तुझे लड़के हाल दिखा दू भैया बाशन ने वही काम किया है क्या ए हरे हरे कुबरा भैया चौक लिपवा बैरी चंदन दशहरी बाशन चौक पुरवा बैरी सोने की थाली भैया आलम बगवा बेरी अरे कमैया धर दई चौक बेली आई दी भाई शिवम लला मेरे यादव बचारी उरी मेरे पिलना को लड़े तो लाली अरे मंजू पे ताकि नगला पुल के उरी सुंदर चिमटा रहे चकचाई राजा राम के बेटा हमारो और मल्ल मल्ल जो रोम सजाई और हमारा नाम प्रदीप कुमार नंगला चीत्राम जो आपके समक्ष में गोंगा जी की एक कथा सुना रहे हैं अरे प्रदीप साजी नगला चेतरम के उरी तुम को कथा कर रहे सुनाई औरी वखत पड़े पे मेरे भैया औरी हम कोने को तुम लियो बुलाई
हो गए भोला रे लाजी। अरे भोला जी की बनो बासी की और ये गाथा तुम मंगोनी सुनाई। अरे घोरा हो सकन जब को भैया अरे यूट्यूब पे भी दर्शाई। हमारे बड़े भाई के सपुत्र जी शनि यादव नंगला पुल के निवासी हैं। ये गंगा जी की कथा को रिकॉर्ड कर रहे हैं। सुबह से ही आपके यूट्यूब चैनल पर ये कथा सुनने के लिए मिलेगी। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जो कि आगे की कथा आपको सामने ये प्राप्त होती रहे। अरे कैसी बनो बासी कथा है और ये भैया सुनियो के ध्यान लगाई। ये जो कथा आप लोगों के समक्ष चल रही है, ये आप लोगों को कथा सुनने के लिए YouTube पे खोजेंगे शनि यादव स्टूडियो सेफई के नाम से। आप जब अपने मोबाइल में YouTube पर शनि यादव स्टूडियो को सर्च करेंगे तो आपको ये कथा सुनने के लिए मिलेगी। प्रदीप कुमार शास्त्री ग्राम नंगला चेतरा जिनका मोबाइल नंबर है 79-83-065-570।